ये टॉर्च टेस्ट क्यों किया जाता है? इसका इनफर्टिलिटी से या मिसकैरेज से क्या रिलेशन है? और अगर टॉर्च पॉजिटिव है तो क्या उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर हूँ। मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर एरिया में है। और मेरा अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस पैशन ये है कि मैं पेशेंट्स को एजुकेट करूँ, अवेयरनेस क्रिएट करूँ, और इसी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो और भी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, लेकिन आपको इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मत भूलिएगा। हाय, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टॉर्च टेस्ट का सच। तो ये जो टेस्ट है, ये एक ब्लड टेस्ट है, और इसमें चार तरह के डिसीजेज, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला और हर्पिस, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होते हैं, दो तरह के, IgM और IgG, उनके लेवल्स आपके ब्लड में से चेक किए जाते हैं। तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, जो भी डिसीज कॉजिंग पैथोजन है, जब भी आपके बॉडी में आता है, तो आपका जो पहला डिफेंस सिस्टम है, क्या है, आपके बॉडी के सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, और जो फर्स्ट एंटीबॉडीज होते हैं वो IgM एंटीबॉडीज होते हैं। तो IgM जो है, ये फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है, और कुछ दिनों के बाद, 8 या 15 दिनों के बाद, IgG एंटीबॉडीज भी आ जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के बॉडी में IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, उसका मतलब उसको वो इन्फेक्शन अभी हो चुका है, एक्टिव इन्फेक्शन है। और अगर IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, उसका मतलब उनको वो इन्फेक्शन पहले हो चुका था। IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव है मतलब उनकी बॉडी ऑलरेडी उस पैथोजन को पहचानती है, उसके लिए जो बुलेट्स लगेंगे उनके पास ऑलरेडी रेडी है, और वो पैथोजन फिर से आएगा तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए इम्यून है। तो अभी मिसकैरेज के बारे में देखते हैं। जब भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या 4-5 महीने में सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस होता है, तो उसके जो जो रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, बेबी में यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्रस में सेप्टम वगैरह, किसी को डायबिटीज हो या थायराइड अनकंट्रोल्ड हो, या बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होने का टेंडेंसी हो, APLA या ACLA सिंड्रोम हो, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक और कॉज भी है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्शन उस पेशेंट को उस टाइम पे हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है या रुबेला है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन की वजह से। तो अगर एक पेशेंट मेरे पास आती है जिसका 1 साल पहले एक प्रेगनेंसी था और मिसकैरेज हो चुका है, और उसका टॉर्च टेस्ट अभी किया ब्लड का, और उसमें IgM पॉजिटिव है, तो उसका क्या मतलब है, उसको ये इन्फेक्शन अभी है, राइट नाउ। 1 साल पहले जो मिसकैरेज हुआ था, उसका इस IgM पॉजिटिव से कोई रिलेशन नहीं है, वो मिसकैरेज इसकी वजह से नहीं हुआ था, ओके? और अगर उसका IgG पॉजिटिव है, तो उसका क्या मतलब है, IgG पॉजिटिव है, उसका मतलब है उसकी बॉडी में ऑलरेडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, उसके बॉडी में ऑलरेडी IgG एंटीबॉडीज अवेलेबल है, जो कि वो इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। कभी तो फास्ट पास्ट में इन्फेक्शन हुआ था, इसकी वजह से वो IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, या उन्होंने बचपन में वैक्सीन लिया था जिसकी वजह से ये IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव है, दैट्स अ गुड थिंग। IgG पॉजिटिव है तो बी हैप्पी, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग। उसका मतलब है आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यून है, उस इन्फेक्शन से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और उसका उसकी वजह से आपको बाद में मिसकैरेज नहीं होगा। तो आई होप इस वीडियो के को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी डाउट्स है टॉर्च टेस्ट के बारे में, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका IgG पॉजिटिव है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट बी हैप्पी। बहुत बार पेशेंट्स पॉजिटिव है, इसके लिए कुछ टैबलेट्स लेते हैं, और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से टेस्ट करके देखते हैं कि अभी तो निगेटिव हुआ है क्या। एक तो वो पॉसिबल भी नहीं है, IgG पॉजिटिव है तो IgG निगेटिव होना, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, IgG पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छी बात है। तो होपफुली सारे डाउट्स आपके अभी क्लियर हो चुके हैं,
और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर और तिलक नगर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।